सावमी, सावमी का इंडिया में 30% मार्केट शेयर है और ऑनलाइन इसका मार्केट शेयर 52% है। चाइना में इसे चाइना के एप्पल के भी नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सावमी के बारे में बताने वाला हूँ कि यह कैसे इतनी बड़ी ब्रांड बन गई, इसकी सक्सेस स्टोरी क्या है। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मुकेश और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सावमी एक चाइनीज कंपनी थी जो स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, पावर बैंक जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती थी। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। एक बार सोनी के फाउंडर की मुलाकात मनु जैन से हुई, जो कि जेबोंग कंपनी में काम करते थे। जेबोंग एक ऐसी कंपनी है जिससे कपड़े जूते इत्यादि बेचे जाते थे। मनु जैन उस कंपनी में 2011 से 2014 तक उस कंपनी में काम किए। तो इन 2-3 सालों के अंदर मनु जैन ने देखा कि उस टाइम लोगों के पास 4.5 इंच की स्मार्टफोन होते थे, तो उसी के थ्रू लोग ऑनलाइन आकर कपड़े जूते खरीदते थे। तो यह देखकर मनु जैन को आश्चर्य हुआ, लोग इतना फास्ट स्मार्टफोन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इतना फास्ट लोग स्मार्टफोन की तरफ जा रहे हैं। यही देखकर इनका भी इंटरेस्ट काफी स्मार्टफोन की तरफ बढ़ा, तो इनके दिमाग में अपना खुद एक स्मार्टफोन कंपनी बनाने का विचार आया। तभी इनकी मुलाकात सावमी के फाउंडर से मुलाकात हुई। सावमी के फाउंडर इंडिया में अपना नेटवर्क बिल्ड करना चाहते थे, इसके लिए उन्हें एक ऐसे बंदे की जरूरत थी जिसके पास इंटरनेट की समझ हो। तो मनु जैन के पास इंटरनेट काफी समझ थी, क्योंकि जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी तो उन्होंने अपनी एक इंटरनेट कंपनी की शुरुआत की थी, तो उनके पास काफी अच्छी समझ थी इंटरनेट बारे में। तो मनु जैन ने जब उस फाउंडर से पूछा कि आप हमें क्यों हायर कर रहे हैं, मेरे पास स्मार्टफोन की कोई नॉलेज नहीं है। हालांकि ये स्मार्टफोन कंपनी स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम मनु जैन के पास स्मार्टफोन के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। सावमी के फाउंडर ने कहा, हम ऑलरेडी स्मार्टफोन बना रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन हमें एक ऐसे बंदे की जरूरत है जिसके पास इंटरनेट की पूरी समझ हो। अब मनु जैन अपना खुद का एक स्मार्टफोन कंपनी बनाने की सोच रहे थे और उधर सावमी इंडिया में अपना नेटवर्क बिल्ड करने का सोच रही थी। तो दोनों ने मिलकर विचार बनाया कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की। तो कंपनी शुरू हो जाने के बाद इन्होंने अपने कंपनी का ना कोई एडवर्टाइज किया और ना ही किसी प्रकार का एड्स। तो इन्होंने अपने 10,000 फोन को वहां पर बेचने का आइडिया बनाया। जुलाई 2014 को इन्होंने फर्स्ट टाइम 10,000 स्मार्टफोन अपने सावमी के फेसबुक पेज के थ्रू बेचा। और अब सब कुछ हो जाने के बाद जब ये अपने फोन को फ्लिपकार्ट के थ्रू अपने फोन को बेचने आए, तो उस टाइम 6 लाख लोग इनके फोन को खरीदने आ गए। और फर्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट हिस्ट्री में रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम क्रैश कर गया, क्योंकि इतने अधिक यूजर्स आ गए थे उस फोन को खरीदने। तो इससे इन्हें काफी एक्साइटेड हुई है और इन्हें लगा कि लोग हमें लाइक करते हैं, लोग हमें फॉलो करते हैं, तो हमें आगे कुछ और करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। तो ये और भी अच्छे स्मार्टफोन्स बनाने लगे और अच्छे अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। और आज के टाइम में ये अपने प्रोडक्ट को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और Mi.com पर बेचते हैं। Mi.com वर्ल्ड का 8वां सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और इंडिया का 3रा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। Mi.com एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इनके 125 मिलियन लोग पर मंथ आकर इनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और प्रेजेंट टाइम में पर क्वार्टर 10 से 12 मिलियन स्मार्टफोन्स बेचते हैं। अपने अच्छे प्लानिंग और अपने अच्छे सर्विस के कारण काफी फास्ट फेमस हुए और इंडिया में कोर बिजनेस में नंबर 1 पर है। तो काफी हार्ड स्ट्रगल और कॉन्फिडेंस के बाद ये बहुत फास्ट ग्रो हुई। तो फ्रेंड्स, ये थी सावमी की सक्सेस स्टोरी कि सावमी का स्टार्टअप कैसे हुआ, कैसे एक सक्सेसफुल कंपनी बन गई, कैसे आज इंडिया के नंबर 1 कोर बिजनेस पर पहुंच चुकी है। तो फ्रेंड्स, यदि आप सावमी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं कि इसने कितने राउंड फंडिंग लिए, इसका टोटल फंडिंग अमाउंट कितना है, तथा इसके कितने इन्वेस्टर हैं, तथा इसने कितने कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है और इसने कितने कंपनियों को एक्वायर किया है, यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करें। यदि आप इस टाइप की और भी वीडियोज पाना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करें, उस पर भी वीडियोज बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।